हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी हेयर पैक शेयर करूंगी जिससे मेरे बाल इतना ज़्यादा शाइनी बन चुके हैं और एक ब्राउन सा कलर आ चुका है मेरे बालों में। मेरे बाल लंबे और घने हो गए हैं पहले से ज़्यादा। तो इस हेना पैक को मैं कैसे बनाती हूँ उसको देखने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और हाँ गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो देन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस हेना पैक को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है नुपुर का हेना पाउडर और इसको मिक्स करने के लिए मैं यहाँ पे गर्म पानी यूज़ करूँगी। तो उसको मैं गर्म करने के लिए रख दिया है। अभी एक स्टील के बर्तन पे मैं हेना पाउडर को ले लूँगी और इस हेना का क्वांटिटी मैं अपने बालों के हिसाब से ले रही हूँ। आप आपके बालों के हिसाब से क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हो। तो यहाँ पे आपने देखा है मैंने हेना पाउडर को ले लिया है और अभी जो पानी मैंने गर्म किया है उसको इस हेना के अंदर ऐड करेंगे। और हाँ गाइस, पानी को आप एकदम से ज़्यादा मत डालिए, आप थोड़ा थोड़ा मिक्स करें और उसके बाद फिर से आपको चाहिए तो गर्म पानी ऐड करें। इससे इसका पेस्ट बहुत ही अच्छी तरह से बनेगा और साथ ही साथ आपको मेजरमेंट का भी एक हिसाब मिल जाएगा कि आपको कितना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैं मिक्स कर रही हूँ इसको। तो ये जब ऐसे बन जाएगा ना, इस वाले जो कंडीशन आ जाएगा इस हेना का, तो हम इसके अंदर ऐड करेंगे ये वाला ऑयल। ये है एल्प्स गुडनेस का 5-in-1 ऑयल। ये बहुत ही अच्छा एक ऑयल है। 5 ऑयल की गुडनेस इस एक ऑयल में आपको मिलेगा। तो ये वाला जो ऑयल है इसको आप अगर आपके हेना पैक पे ऐड करोगे ना तो आपके बाल बहुत ज़्यादा शाइनी और सिल्की दिखेगा। इस ऑयल को ऐड करने के बाद आपको इसी में ही इसको मिक्स कर देना है। पानी में इस ऑयल को मिक्स मत करना, ऐसे में ही आपको ऑयल को इसके साथ मिक्स कर देना है। उसके बाद आप इसके अंदर गर्म पानी ऐड करना। आप देख सकते हो यहाँ पे हेना का कलर छूटने लगा है धीरे धीरे। तो आप ऐसे करके इस हेना पैक को बनाना। मैंने जैसे बोला है कि कम कम यूज़ करोगे तो आपको मेज़रमेंट का एक हिसाब मिलेगा। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा कम लग रहा है तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा और ज़्यादा हेना ऐड कर रही हूँ और पहले के जैसे ही उसको मिक्स कर देंगे। तो ये कुछ इस तरह का बना हुआ है। अभी थोड़ा सा पतला लगेगा आपको पर ये बाद में ठीक हो जाएगा। तो इस टाइम पे इसको हम एक ढक्कन से इसको कवर करके फुल नाइट के लिए छोड़ देंगे। ये नेक्स्ट मॉर्निंग है, आप देख सकते हो ये जो हेना पैक है काफ़ी ज़्यादा थिक बन चुका है। हमको ऐसा ही चाहिए, ज़्यादा पतला हो जाएगा तो अब जब लगाओगे वो टपकने लगेगा। तो अभी मैं आप लोगों को अप्लाई करके दिखाती हूँ इसको। सबसे पहले मैं अपने बालों को दो सेक्शन में डिवाइड कर लूँगी और बालों को डिटेंगल करूँगी। हेना पैक लगाने से पहले बालों को डिटेंगल ज़रूर करें, उससे आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम्स नहीं रहेंगे। अभी इस हेना को अच्छे से थोड़ा सा मिक्स करेंगे एक बार और इसको अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। मैंने इसको अप्लाई करने के लिए कोई ग्लव्स वगैरह नहीं पहना है। आप अगर चाहते हो कि आपके हाथों पे मेहंदी की कोई स्टेन ना रहे तो आप ग्लव्स पहन के लगा सकते हो। इसका स्टेन आप आगे वीडियो में देखना मेरे हाथों पे होगा, पर ये 2 से 3 दिन तक ही रहता है, फिर ये चला जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखो मैं कैसे इस हेना पैक को अपने बालों पे लगा रही हूँ। मेनली आपको रूट्स पे ध्यान देना है और ऐसे आप बालों को छोटे छोटे सेक्शन में डिवाइड करेंगे और फिर रूट्स पे लगाएंगे और धीरे धीरे नीचे की तरफ लगाएंगे। और बालों का जो एंड वाला पार्ट है ना, वहाँ पे स्प्लिटर्स वगैरह ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पर भी अच्छे से आपको इस हेना पैक को लगाना है। और हाँ गाइस, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना चाहते हो तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी।
यहाँ पे देख सकते हो आप, मेरे हाथों पे स्टेन लग चुका है और ये मेरा बाल है। और आपको अच्छे से भी नहीं दिखेगा, मैं धूप में भी दिखाऊंगी कि मैंने ज़्यादा ना रूट पे लगाया है और नीचे थोड़ा थोड़ा करके लगाया है। अभी मैं अपने बालों को एक क्लिप के मदद से बांध लूँगी। उसके बाद अभी आप देखो धूप में ये रूट में से मैंने अच्छे से लगा दिया है इसको, और अभी हम इसको 1 घंटे तक रखेंगे सूखने के लिए। इस टाइम पे आप ऐसे शावर कैप या फिर जो प्लास्टिक आता है उससे भी आप आपके हेयर को सिक्योर करके रख सकते हो। और गाइस अभी ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हो ये मेरा हेयर वॉश करने के बाद का है। अब देखो मेरा बाल कितना ज़्यादा मैनेजेबल लग रहा है और बालों में बहुत ही अच्छा सा शाइन आ चुका है। मैंने यहाँ पे कोई भी सीरम वगैरह नहीं यूज़ किया है, नॉर्मल बस बालों को शैम्पू से वॉश किया हुआ है। अभी मैं आपको धूप में दिखाती हूँ मेरे बालों का जो ब्राउन कलर आया हुआ है उसको। इस हेना पैक को लगाने के बाद आपके बालों में एक हल्का सा ब्राउन कलर आ जाएगा, और धूप में जब आप आओगे तो ये ब्राउन कलर और भी अच्छे से आपको दिखेगा। इस हेना पैक के अंदर जो मैंने ऑयल डाला है, इस ऑयल के अंदर 5 अलग अलग तरीके के ऑयल्स मिक्सचर हैं, तो उसको ऐड करने से इस हेना पैक का जो गुडनेस है वो और ज़्यादा बढ़ चुका है। और आप देख सकते हो मेरे बाल पहले से काफ़ी ज़्यादा मैनेजेबल लग रहा है और काफ़ी बाउंसी भी लग रहा है, सिल्की भी लग रहा है। तो आई होप आप लोगों को ये वाला हेना पैक पसंद आया है, और धूप में भी देखो मेरा बाल कितना ज़्यादा शाइन कर रहा है। इस हेना पैक को आप एक बार घर पर ज़रूर बनाएं। आई होप आप लोगों को ये वाला वीडियो पसंद आया है, पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।